नमस्कार, आधार टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की बड़ी खबर, 26 फरवरी को भारत की एयर स्ट्राइक के बाद दूसरी बड़ी खबर आई है। 27 फरवरी को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में घुस आए थे। पाकिस्तान का दावा ये भी था कि उनके विमानों में दो भारतीय जेट्स को गिरा दिया गया है। पाकिस्तान के आर्मी PRO ने खुद इस बात का दावा किया। बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत ने भी पाकिस्तान के F-16 विमान को गिरा दिया है। ये वही विमान है जो भारतीय सीमा में घुस आया था। बताया जा रहा है, जब पाकिस्तान ने ये विमान गिराया तो भारतीय सीमा में 3 किलोमीटर अंदर जा चुका था। नौशेरा सेक्टर के लैम वैली इलाके में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान प्लेन के गिराने के बाद प्लेन के पास पैराशूट भी उतरता दिखा। पायलट किस हालत में है ये अभी कन्फर्म नहीं है। खबरों के बीच पूरे भारत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों के एयरपोर्ट्स पर उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, रनवे खाली करा दिए गए हैं। इन कार्रवाइयों के बाद से एयर टू एयर वॉर की संभावना भी जताई जाने लगी है। इसको देखते हुए ही भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। इसके साथ ही सरकारी मीटिंग भी शुरू हो गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नॉर्थ ब्लॉक में NSA अजीत डोवाल, रॉ चीफ, होम सेक्रेटरी और अन्य बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग शुरू कर दी है। कैमरामैन तरुण सिंह के साथ आकांक्षा दीक्षित, आधार TV।